अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सोस्केलेटन को जो डिस्कस किया था उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास स्केलेटन सिस्टम का कंपोनेंट है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिम्स, जिसमें हम शोल्डर के पोर्शन को देखते हैं और फोर लिम्स के अंदर हमारे बाजू आते हैं, और इसी तरह जो है वो पेल्विक गर्डल जिसमें हिप्स का पोर्शन आता है और उसके साथ होगा हाइंड लिम्स। तो सबसे पहले हम जो पेक्टोरल गर्डल है, जो शोल्डर का पोर्शन है, उसको स्टार्ट करते हैं। शोल्डर के अंदर जो है जो बोन्स आती हैं, ये हमारे पास है पहली बोन इसमें आएगी स्कैपुला की, ठीक है। ये वाली बोन आपके पास ये स्कैपुला है, ठीक है। इसी की जो अपर सरफेस है इसको हम सुपरा स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही शो हुई है तो स्कैपुला की ही अपर सरफेस को हम सुपरा स्कैपुला कहते हैं। अब ये देखें कि ये स्कैपुला की बोन एक ही है और दूसरी स्कैपुला की बोन जो है वो इस तरफ है ये, ठीक है। दोनों स्कैपुला की बोन्स हैं वो ऊपर से कनेक्टेड होंगी क्लेविकल के साथ, ठीक है। सो दिस बोन इज़ कॉल्ड क्लेविकल, ठीक है। तो ये हमें जो आगे बोन नज़र आती है, ये आपके पास स्कैपुला आ गया, ये आपके पास आ गई क्लेविकल। इसी तरह क्लेविकल जो है वो इस तरफ भी होगी, ये भी क्लेविकल है, और दोनों क्लेविकल्स हैं वो आगे से अटैच हैं स्टर्नम के साथ। तो ये सारी जो बोन है दैट इज़ कॉल्ड द स्टर्नम, ठीक है। तो ये स्टर्नम, क्लेविकल और उसके अलावा स्कैपुला, और स्कैपुला का ये प्रोपोर्शन सुपर स्कैपुला। तो ये आपके पास जो है वो आ जाती हैं इसमें आपके जो है शोल्डर के पोर्शन में पेक्टोरल गर्डल में, ठीक है। जो फोर लिम्स हैं जो आपके बाजू के अंदर जो हड्डियाँ पाई जाती हैं उसमें हम देखते हैं, उसमें जो पहली बोन आपके पास आती है ये वाली, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद दो बोन्स आएंगी, एक आपके पास आएगी रेडियस, ये रेडियस है, और ये वाली जो है वो अलना है। अब इसको किस तरह देखना है, जो आपके अंगूठे वाली साइड पर जो बोन होगी, ठीक है, ये अंगूठा है तो अंगूठे वाली साइड पर जो बोन होती है वो होती है रेडियस, ठीक है। और उसके ऑपोजिट जो बोन होगी वो क्या है, अलना। तो ह्यूमरस, रेडियस एंड अलना, ये तीन बोन्स हैं वो आपके बाजू के अंदर पाई जाएंगी। अब एक चीज़ देखें यहाँ पर कि ह्यूमरस इस तरफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है विद द स्कैपुला, ठीक है। ये इस तरह का जॉइंट है जिसमें यहाँ से अगर हम देखें तो ह्यूमरस का एंड एक बॉल लाइक है, ठीक है, बिल्कुल राउंड है, और जो स्कैपुला का एंड है ये सॉकेट लाइक है। ये बॉल इस सॉकेट में आकर फिट हो जाता है और फिर इसको कार्टिलेज है वो कवर कर लेती है, ये देखें यूँ, ठीक है। तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाएगा जिसमें जो ह्यूमरस का एंड है वो बॉल लाइक है और जो स्कैपुला का एंड है वो कैसे का है, वो एक कप लाइक है, सॉकेट लाइक है। ये बॉल इसके अंदर फिट हो जाता है और ये हर डायरेक्शन में आपके बाजू को मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, अलाउ करता है। तो ह्यूमरस का जो एक एंड है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं, जो ह्यूमरस का दूसरा एंड है वो रेडियस और अलना के साथ जो जॉइंट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड हिंज जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट का नाम क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट दरवाजे के कब्जे की तरह होते हैं, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। तो ये बाजू जो है वो सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है, ठीक है। थोड़ी सी जो है वो लेफ्ट राइट मूवमेंट जो है वो होती हैं ये इसकी वजह से, इस सॉकेट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, तो जो इसकी मेजर मूवमेंट है वो होती है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। ज़्यादा बैक नहीं जा सकता, सिर्फ अपवर्ड जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आकर ये बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, इससे बैक नहीं जा सकता। तो ये हिंज जॉइंट है जिस तरह दरवाजे के कब्जे होते हैं कि वो खुलते हैं, बंद होते हैं, एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो ह्यूमरस की एक साइड पर जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और दूसरी साइड पर आपके पास जो है वो हिंज जॉइंट है। अब रेडियस और अलना जो है ये नीचे की तरफ आकर बोन्स के साथ मिलते हैं, इन बोन्स के साथ, ठीक है, ये वाली जी। तो ह्यूमरस और रेडियस और अलना जो है ये आगे मिलते हैं एट कार्पल्स के साथ, ठीक है। आठ कार्पल्स की बोन होती हैं, ठीक है, जो आपके जो है वो रिस्ट का पोर्शन बनाती हैं, आपकी कलाई का हिस्सा बनाती हैं। इन बोन्स को अगर हम काउंट करें तो उसमें जो है वो एक, दो, तीन, अच्छा इसको हम जो है वो दूसरी तरह काउंट कर लेते हैं कि यहाँ से देखें, एक, उसके बाद जो है ये दूसरी, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, ठीक है। तो ये आठ बोन्स हैं जो मिलकर आपकी कलाई का पोर्शन बनाती हैं, ठीक है। इनके ऊपर कार्टिलेज है, वाइट वाइट आपको नज़र आ रही है। तो आठ बोन्स हैं ये, कार्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फाइव आएंगी मेटा कार्पल्स, ठीक है, जिसमें एक, दो, तीन, चार और पाँच। ये फाइव मेटा कार्पल्स हैं जो आपके हथेली का पोर्शन बनाती हैं, ठीक है, पाम आपकी बनाती हैं।
उसके आगे उंगलियां आ जाती हैं, फिंगर्स। फिंगर्स को हम कहते हैं फिलेंजेस। तो जो टोटल फिलेंजेस हैं वो 14 होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है फिलेंजेस की बोन्स हैं, ठीक है। ये आपकी उंगली हैं, ठीक है, फिंगर्स हैं। तो ये वाली जो बोन्स हैं ये आपका जो है पाम का पोर्शन बना रही हैं। ये जो कार्पल्स हैं ये आपके पास जो है वो आपकी कलाई का पोर्शन बना रही हैं। उसके ऊपर रेडियस है, अल्ना है और ह्यूमरस है, ठीक है। जो रेडियस और अल्ना है ये मल्टी स्टेज जॉइंट बनाते हैं विद कार्पल्स, ठीक है। फिर आगे मेटा कार्पल्स और उसके बाद क्या होती हैं फिलेंजेस। यहाँ पर आपके पास जो है वो पेक्टोरल गर्डल जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो है पेक्टोरल गर्डल और फोर लिम्ब कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास वो है पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब्स, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल के बारे में हम देखते हैं कि पेल्विक गर्डल के अंदर अब कौन कौन सी बोन्स हैं वो यहाँ पर आएंगी जी। तो पेल्विक गर्डल वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। अब पेल्विक गर्डल के अंदर दो बोन्स आती हैं, ठीक है, जिनको हम कॉक्सल बोन्स कहते हैं, ठीक है। इनको अगर हम देख लें तो ये एक कंप्लीट कॉक्सल बोन है, ठीक है। ये वाली जो पूरी हमने हाईलाइट कर दी है कंप्लीट कॉक्सल बोन है। तो दो कॉक्सल बोन्स हैं वो मिलकर आपका पेल्विक गर्डल बनाती हैं। एक कॉक्सल बोन ये और दूसरी कॉक्सल बोन्स है वो ये, ठीक है। हर कॉक्सल बोन को अगर हम देखें तो हर कॉक्सल बोन के अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। उसमें जो पहला कंपोनेंट है आपके पास वो है ईसीएम, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट ये कॉक्सल बोन कंप्लीट है, इसको हम जो है वो अलग अलग करके देखते हैं। जी यहाँ से देखें तो इस कॉक्सल बोन का जो पहला पोर्शन है आपके पास, जस्ट अ सेकंड, इसका हम जो है वो हाँ सिलेक्शन ख़त्म हो गई। ये पहला पोर्शन आपके पास आता है ईलियम, ठीक है, ये सबसे बड़ा। उसके बाद ये सेकंड पोर्शन आता है आपके पास ईसीएम एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड द प्यूबिस, ठीक है। तो कॉक्सल बोन के तीन अंदर जो हैं वो बोन्स पाई जाती हैं। एक उसमें ईलियम है जो सबसे बड़ी है, उसके बाद ईसीएम है और थर्ड क्या है प्यूबिस। जो प्यूबिस बोन है वो दोनों को कॉक्सल बोन्स की जो प्यूबिक बोन्स हैं ये आपस में अटैच होती हैं विद हेल्प ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर कार्टिलेज होती है जो दोनों को आपस में क्या करती हैं अटैच करती हैं। तो ये सिंपल आपके पास आ जाता है जो आपका पेल्विक गर्डल है जिसमें दो कॉक्सल बोन्स हैं, हर कॉक्सल बोन के तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला आपके पास जो है वो ईलियम है, दूसरा ईसीएम है और थर्ड क्या है आपके पास प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो हाइंड लिम्स हैं आपकी लेग्स के बारे में। तो लेग्स के अंदर जो सबसे पहली हड्डी आपके पास आती है वो है फीमर, ठीक है। अब यहाँ पर भी फीमर जो है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है, ठीक है। ये देखें अगर हम इसको फेड कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ, या हाइड कर लेते हैं हम इसको, तो ये देखें ये एक सॉकेट है, ठीक है। आपकी प्यूबिक जो बोन्स हैं जो कॉक्सल बोन है उसके अंदर एक सॉकेट है और इस सॉकेट के अंदर जो है ये बॉल ऑफ द फीमर आकर फिट हो जाते हैं। तो ये लेग्स भी जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो साइड्स पे मूव कर सकती हैं, काफ़ी मूवमेंट्स है वो अलाउ करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जी। फीमर बोन दूसरी तरफ आकर जो है वो अटैच होती है विद टू बोन्स दैट इज़ कॉल्ड टीबिया एंड फिब्यूला, ठीक है। यहाँ पर देखें कि ऊपर वाली जो है वो फीमर, ठीक है, उसके बाद नीचे वाली बोन्स आ जाती हैं आपके पास, ये आपके पास है टीबिया और पीछे वाली जो है वो बड़ी सी बोन दैट इज़ कॉल्ड फिब्यूला, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो हाइंड लिम्स लेग्स के अंदर जो टांगे जो हड्डियाँ पाई जाती हैं टांगों के अंदर वो सारी हैं कि सबसे बड़ी हड्डी जो आपकी बॉडी में है वो ये होती है, इसको हमने फीमर कहा है। उसके बाद जो है वो टीबिया आ जाती है और उसके बैक पर क्या है फिब्यूला है। एक बोन आपके बुक पर बताई नहीं गई, ये होती है आपकी नी कैप, ठीक है, जो घुटने का जो जॉइंट होता है उसको पटेला कहते हैं। तो ये जो है नी कैप की जो है ये बोन होती है, ठीक है, जो यहाँ पर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह जिस तरह हमने बाजुओं में देखा था वैसे ही लेग्स के अंदर ये पहले ऊपर एक बोन है नीचे दो बोन्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि आपके जो एंकल की बोन्स हैं वो टोटल यहाँ पर 7 बोन्स होंगी, ठीक है। उसको हम काउंट करते हैं कि 7 बोन्स हैं वो आपके ये वाले एंकल का पोर्शन बनाती हैं, इनको हम कहते हैं टार्सल्स, ठीक है। तो पाँव के अंदर 7 जो है वो टार्सल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम काउंट कर लेते हैं कि ये टार्सल्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। तो इसमें सबसे पहले ये, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस वन सेवन्थ। तो ये 7 बोन्स हैं जो आपके जो है वो एडी का पोर्शन जो है बना रही हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये कौन सी बोन्स हैं, ये टार्सल बोन्स हैं, ठीक है। टार्सल्स के बाद आपके पास आ जाएंगी मेटा टार्सल्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4,
एंड दिस वन इज़ 5, ठीक है। तो पीछे टार्सल्स, 7 टार्सल जी, तो 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल, और उसके बाद आपके पास आ जाती हैं फ्लेंजेस। तो टोटल्स हैं वो 14 फ्लेंजेस होती हैं जो आपकी लेग्स के अंदर जो है पाई जाती हैं, आपकी उंगलियां जो है बनाती हैं। तो सेम वैसे ही है जिस तरह बाजों में हमने देखा था, उसमें हमने जस्ट ये देखा था कि कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस हैं। कार्पल्स का नंबर 8 था, ठीक है, यहाँ पर टार्सल का नंबर 7 है। उसके बाद जो मेटाकार्पल्स थे 5 थे, यहाँ पर भी मेटा टार्सल्स हैं वो 5 हैं, और फ्लेंजेस वहाँ पर भी 14 थी, यहाँ पर भी फ्लेंजेस क्या हैं 14 हैं। तो यूँ आपका कंप्लीट स्केल्टन है वो हमने इसको स्टडी कर लिया कि डिफरेंट बोन्स कौन कौन सी हैं, उनके नेम्स क्या हैं, उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर होती है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और कौन कौन से जॉइंट्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमने जॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। तो स्केल्टन अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो जॉइंट्स को पढ़ना काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा।